नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, एलईडी बल्ब है। मेरे साथ इससे पहले भी आपने इसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया, तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। फाइल को क्लोज़ करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो तब हमारे सामने आती है जब हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया नई फाइल ओपन करने के लिए। तो ये देखिए, एक विंडो खुलकर सामने आती है। यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt पर मैंने डबल क्लिक किया तो एक नई फाइल ओपन होगी। ये नई फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्टार्ट 2D स्केच पर। ये इस तरह से, ये पहले होम पोजीशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो प्लेन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, ये सर्कल कमांड दिखाई दे रही है। सेंटर पॉइंट, एक क्लिक यहाँ सेंटर पर, और इसके बाद डायमीटर की वैल्यू दे देंगे हम कितनी, 15, और एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया और इसके बाद एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक्सट्रूजन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक सिलेंडर की शेप हो रही है। अब यहाँ से डिस्टेंस जो है ये हमें लेना है कितना, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 20, यानी कि ये जो हाइट है सिलेंडर की ये 20 हो जाएगी। ओके पर क्लिक किया। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच, यहाँ से हम ये ओरिजिन को एक्सपेंड करेंगे और ये देखिए प्लेन हमें दिखाई देंगे। यहाँ से हमने ले लिया ये एक्स वाई प्लेन। इसके बाद यहाँ से गए व्यू में, विजुअल स्टाइल्स, वायर फ्रेम पर क्लिक किया तो हमें ऐसे नज़र आएगा ऑब्जेक्ट। अब जाएंगे फिर से स्केच पर, यहाँ से लेंगे एक सर्कल। देखिए, ये सेंटर यहाँ पे हमें मिलेगा, एक क्लिक सेंटर पर, और इसके बाद इसकी वैल्यू दे देंगे डायमीटर की 30। एस्केप दबाया यहाँ से, कमांड से बाहर निकला है। अब डायमेंशन पर जाएंगे। डायमेंशन पर जाने के बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये भी 30 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, लाइन से फिर ये इस तरह से पार्टीशन कर देंगे हम सर्कल में। एस्केप दबाकर बाहर निकले। अब यहाँ से यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड, ये हिस्सा जो है ये ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने। इसके बाद यहाँ से लेंगे रिवॉल्व, ये है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ये स्फीयर बन जा रहा है यहाँ से, और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से व्यू, विजुअल स्टाइल, शेडेड विद एजेस, थोड़ा सा देखिए इसे टिल्ट किया। टिल्ट करने के बाद ये हमें एज नज़र आ रही है। इस एज को अब हम राउंड करेंगे। यहाँ 3D मॉडल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिलेट, यहाँ पर वैल्यू देंगे कितनी हम, 22, और एंटर प्रेस किया, 22 एंटर। और इसके बाद इस एज पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फिलेट हो जाएगा। दोबारा फिलेट पर क्लिक करेंगे, इस बार वैल्यू यहाँ पे चेंज करके कर देंगे कितनी, 2 mm, 2 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। और ये जो सबसे नीचे एज नज़र आ रही है इस पर क्लिक करके इसे भी फिलेट कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच दोबारा, और इस बार हम ये फेस लेंगे इस तरह से। देखिए आएगा हमारे सामने, सर्कल पर क्लिक किया, ये ओरिजिन जो है सेंटर पॉइंट है हमारे लिए। वैल्यू यहाँ पर दे देंगे हम डायमीटर की 10। फिनिश स्केच, इसके बाद यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर दे देंगे कितनी, 8, एंटर प्रेस किया। इसके बाद इसे देखिए हम एक नए सॉलिड, एक नए बॉडी की तरह हमें यूज़ करना। देखिए यहाँ पर अभी सॉलिड बॉडीज 1 दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ सॉलिड बॉडी, अब ये दो अलग अलग सॉलिड बॉडीज़ हैं क्योंकि हम दोनों पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें अटैच करनी है, तो हमें ये बॉडी का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से फिलेट की जगह यहाँ हम चैम्फर यूज़ करेंगे। चैम्फर में हमने ये डिस्टेंस की जो वैल्यू है ये दे दी कितनी, 0.5 mm, और इसके बाद इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई,
और कैंसिल, इस तरह से दिखने लगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम थ्रेड बनाते हैं। इससे पहले कॉइल कमांड की मदद से थ्रेड बनाने का मैं आपको अपने पिछले कई ट्यूटोरियल्स में, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इन्वेंटर के। तो अब यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला थ्रेड। ये थ्रेड हमें शो होगी लेकिन ये बनी नहीं है थ्रेड, और जैसे फिजिकल थ्रेड बनती है उस तरह की नहीं है। अब ये जो फेस है, ये सरफेस, इस पर हम ये थ्रेड बनाएंगे। और यहाँ से M10 into 1 ये कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हम थ्रेड का, और यहाँ से ओके। तो इस तरह से देखिए इस पे ये थ्रेड बनी हुई हमें नज़र आएगी। बहुत ही ये सिंपल सा कंपोनेंट है और बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं थ्रेड इस तरह से दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप इस पर थ्रेड बनाना चाहते हैं तो पिछले अपने कई वीडियोस में मैंने थ्रेड किस तरह से हम कॉइल कमांड को यूज़ करके बनाते हैं वो मैंने बताया, तो उसकी मदद से भी आप इस पर थ्रेड बना सकते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए सॉलिड बॉडी है, ये मैंने इसे एक्सपेंड किया, सॉलिड बॉडी 1 पे गए, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, ये लिया। अब यहाँ पर बॉडी अपीयरेंस में एज पार्ट आ रहा है, यहाँ पर मुझे लेना है वाइट कलर, तो यहाँ से वाइट W से जाएंगे हम। देखिए ये यहाँ पर ये मिल गया वाइट, यहाँ से ओके। ये देखिए ये अपडेट हो गया। अब जाएंगे हम सॉरी इसे सॉलिड 2 पर, और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ से पॉलिश्ड एल्युमिनियम ले लिया, ये ओके। देखिए ये अपीयरेंस इसकी अपडेट हो गई है, चेंज हो गया। अब थोड़ा और रियलिस्टिक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से व्यू पर गए, विजुअल स्टाइल और रियलिस्टिक पर क्लिक किया, ये देखिए अपडेट हो गया ये भी। तो दोस्तों कितना इन्वेंटर में जो मटेरियल हम अप्लाई करते हैं या जो भी अपीयरेंसेस हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखती हैं। ये देखिए बिल्कुल जैसे एक ओरिजिनल एलईडी बल्ब होता है उसी तरीके से ये नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था एलईडी बल्ब इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।